हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, सबकी घरों में खुशियाँ और खुशहाल होंगी। भाई आज का जो सीन है ना कि भाई ऐसा है कि भाई जुम्मे का दिन था तो नमाज़ पढ़ के हम जैसे आए रूम पर लेट गए तो पता ही नहीं था, एक सो गए तकरीबन आंखें बंद करके लेट गए थे। तो एक फ्रेंड ने कॉल की, भाई क्या सीन है तुम्हारा, कोई इवेंट में नहीं जा रहा? सीन नहीं है ना, कौन सा इवेंट हमारे को पता ही नहीं है। उसने बोला कि चलो भाई उठो चलें। सो चलें गाइस, व्लॉग को करेंगे यहीं स्टार्ट। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस सीन कुछ ऐसा है ना, सबका जैसा दिल यार, टेंशन नहीं लेनी। सो आज आप चलते हैं उधर, कोई इवेंट है, कोई पता नहीं क्या है, पता नहीं है। सो ये इसी हालत में निकल पड़े हैं, खाली ये पहन ले, क्या ठंड है, हल्की फुल्की ठंड है, मगर के ना इससे अच्छा अपनी केयर करनी चाहिए। सो चलते हैं फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ जा रहे हैं, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। एक हमारे, एक मेरी बेगम है और एक समद है। सो बेगम तो पता है आपको कौन हो सकती है, लाल मेरी ज़रूरत थी मुझे। बेगम मेरे साथ है और हमारे समद भाई भी साथ ही हैं। तो चले चलते हैं, हम आपको वहीं मिलते हैं। तो फाइनली भाई दसर पे आ चुके हैं और देखते हैं लाइटिंग माहौल ख़त्म हो गया, पता ही नहीं पता देखते हैं अंदर क्या सीन है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आना हुआ यहाँ पर? बस फ्रेंड ने कहा भाई चलें, कोई इंटरटेनमेंट हो रहा, माहौल चल रहा है, तो चले चलते हैं। मैंने क्यों ना फिर इंजॉय किया जाए, आपका इंतजार था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलें भाई अंदर देखें क्या सीन है। पता नहीं किधर गई, किस तरह से चलना है कुछ पता ही नहीं है। इधर चले भाई, अंदर चलते हैं। वाह वाह, गाने चल रहे हैं अंदर तो भाई, फुल अंदर माहौल बना हुआ अंदर तो, बाकायदा वाला, क्या बात है। माहौल ही नहीं है अंदर तो, जगह ही नहीं है। चले भाई जगह देखते हैं, फिर बैठते हैं। जैसे भाई बचपन में स्कूल के लाइन में खड़ा किया जाता था और यहाँ भी सबको खड़ा कर दिया है। तलावत करो भैया, ये बोल रहे ये क्या करवा रहा है भैया, क्या करवा रहा है ये क्या करवाना चाह रहा है ये वाह, वाह ये स्कूल की एक्सरसाइज हो रही है भैया हमारे साथ। पुराने जमाने की बाइक है ये। वाकई भाई माशाल्लाह यार, उन्होंने खड़ा 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 खड़
चले गए आगे कंटिन्यू करते हैं इधर कोई आगे मिलते हैं आपको। पब्लिक चेक करो इतने छोटे से रूम के अंदर आवाम चेक करो। स्टार्ट करें करें सुन लिया क्राउड फाइनली भाई अब सीन कुछ ऐसा है कि अब है ना मुर्तजा जो मतलब कि थोड़ा सिंगिंग करेंगे और भाई भी साथ इनके वो भी सिंगिंग करेंगे। अब इनको इनवाइट किया जाएगा, इनको पुकारा जाएगा कि भाजा आप स्टेज पर आए। और भाई ये क्या बच गया, कहाँ से आवाज़ें निकल रही हैं भाई, ये अभी लगाएंगे उसके बाद इन भाई को इन्वाइट करेंगे। मुर्तजा मोबा बेबी हेलो कर दो, हेलो आपको बुलाया जाएगा। तो आप अपना अच्छी तरह दिखाना, ऑडियंस को बोर नहीं करना, पक्की बात है हो जाना चाहिए। चलें भाई आई थिंक जियो जे आ गया भाई का नाम। चले भाई जियो, ये हमारा मुर्तजा भाई। चले भाई अब जा रहे हैं सुन के साथ, यही भाई आई थिंक जाएंगे वो भी जाके सेल करेंगे सिंगिंग करेंगे। और लगते हैं इनको मैंने बोल दिया कि पहले बोर नहीं करना, तो अब देखते हैं बोर करेंगे नहीं करेंगे, अब जाके पता चलेगा कि क्या करते हैं ये जनाब। चले मिलते हैं आपको, अपडेट देते रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल और क्या हुआ, गजब बेइज्जती हो गई आपकी तो। कोई नहीं टेंशन ले लो, अगली बारी आपकी है, टेंशन नहीं, अगली बारी आपकी है। नहीं बुलाया तो बुलाया जाएगा आपको, मजा के बुलाया जाएगा। सिस्टम मार देंगे। समझ सकते हैं किसकी तो डायलॉग मार रही है। चलें भाई ये स्टार्ट करें, पता नहीं क्या चक्कर है अभी तक इन्होंने ढोल सेट नहीं किया इन्होंने अभी तक तो। चलो भाई जल्दी करो, हमारे साथ मोए मोए वाला सीन हो गया। मोए मोए चले खैर कोई नहीं, होता रहता है यार। ये 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 वो देखो वही बोल लग के बाइक सही करो। चलो भाई लड़का बुला दिया, स्टम एक हो गया। चले भाई इनको दोबारा बोल तो वो उसका कह रहे हैं माइक नहीं चला इधर, बस फिर बोल रहा है कि भाई आप स्टूडेंट को बुलाओ सिंगिंग करवाओ फिर हम करेंगे। हम इनको दोबारा बुला लिया, ये नंग 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 नंग। वाह क्या बात है, इनको बीच पे फरमाइश कर दिया, आ जाओ नल्ले आ जाओ बीच में। वो देखो दो दो माइक, भाई एक पकड़ ले भाई।
ताई परे हो जे वेजो ही नचे कदे सर आप सोए हुए हो सर उठ जाओ भाई वाकई में लेवल कर दिया। थैंक यू सो मच यार मुर्तजा आपको जो कुछ भी मैंने बोला उसके लिए सॉरी यार, क्योंकि तो ब्लॉग के अंदर थोड़ी मस्ती में होनी चाहिए, अदरवाइज ऐसे लगे बोरियत हो रही है, तो आपको कुछ मैंने बोला हो तो उसके लिए सॉरी भाई मुर्तजा भाई, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा था मगर थोड़ा बहुत ना थोड़ा बहुत बोर कर रहे थे, थोड़ा बहुत होर कर रहे थे आप। क्या कर रहे? बोर कर रहे थे, बोर 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 बी ओ आर बोर। हाँ चले कोई नहीं, थैंक यू सो मच, आपने मगर बहुत अच्छा किया वैसे। बाद में चल रहा बाद में चले, मैं रात में इंशाल्लाह फिर आपके साथ। ओके हो गया, बहुत सी लाट बोल लोगे भाई। चले भाई अभी सेकेंड आ गया, चलते हैं। अच्छा अच्छा नहीं होना भाई तेरा, नहीं होना, मुझे अकेला ही रहना है। ले I'm gonna get you.
फाइनली प्रोग्राम एंड हो चुका है और जो मतलब कि इस बारे को जो बात करनी थी इस बारे में कि अपने पेरेंट्स से अपने बॉयज एंड गर्ल्स को मतलब कि किस तरह के मतलब उनको गाइड किया जाए मतलब कि बॉयज़ होते हैं गर्ल्स उनको प्रॉपर है ना उनको क्या कहा जाता है कि भाई दोनों तरफ को इजाज़त इतनी लंबी नहीं जाती इतनी देखकर गर्ल्स को भी जितना उन्होंने कहे लिमिट रखा जाए बॉयज़ को भी लिखा जाए दोनों को रखेंगे तो अच्छा होता है। और दूसरा ये बात ये थी कि वो जो बॉक्सर थे लहरी के जो मतलब कि उनको एक मतलब के स्टार्ट थे अब्बा बनना चाह रहा है मेरा हाँ अब्बा बनना चाह रहा है ये मेरा नुन्नु के बराबर भी नहीं है मगर ये समझ आई सो बॉक्सर जो थे ना हमारे भाई के लियारी के जो बॉक्सर थे उनको मतलब के वहीं से स्टार्टिंग हुई स्टार्टिंग जो था हमारा तुम लोग बोल लो चचा के मुंह अंडरे तो मतलब के लियारी के जो बॉक्सर स्टार्टिंग हुई थी वहाँ से मतलब के फर्स्ट बॉक्सिंग जो मतलब गर्ल्स स्टार्ट किया क्लब स्टार्ट किया था उधर बॉक्सिंग के साथ साथ मतलब के एक ग्रोथ हुआ कि गर्ल्स को कॉन्फिडेंट मिला कि आप बॉक्सिंग वगैरह करें अपने लेवल अपने अप करें। और थर्ड यह था शाह लतीफ़ का जो मतलब साउंड था सेवन साउंड्स उतना मतलब के इन्होंने थे मतलब के सिखाए जाते हैं अभी मतलब सिखाए जाते हैं। तो मतलब कि मुझे बहुत अच्छा लगा यार ये छोटा सा इवेंट था उसमें गए गए और बहुत अच्छा लगा बॉयज़ हैं उन्होंने कह रहा था शॉटिंग वगैरह करी मगर बुरी बात है मगर एक चीज़ चल रही है बंदा एक इनका सुने इंजॉय करे मगर इन्होंने बॉयज़ वगैरह अब लड़के मानता हूँ करते हैं मगर इतना नहीं होना चाहिए यार जिस तरीके से इन्होंने ये इतना कोई करता है यार मुझे तो बड़ा बुरा लगा हर किसी का अपना अपना होता है चलें खैर होता है अब चलते हैं हॉस्टल की तरफ इस व्लॉग को यहीं एंड करें या आगे चल के नहीं यहीं एंड कर देते हैं गाइज अगर व्लॉग पसंद आया ना लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मिलते हैं अगले व्लॉग में ये हम आइए देखो अब जाने का टाइम हुआ तो जनाब है ना गैंगस्टर बन के निकल रहे हैं अब क्या बनने का फायदा ये बताओ काला मुकर क्या हूँ काला मुकर क्या कौन सा काला मुकर क्या हो समझ रहे हो कौन सा काला मुकर किस किस से लगवाए आपने हाथ मतलब कि हाथ हाथ पड़े ना काले इंसान ये अच्छा इससे काले हाथ पड़ गए अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ये तो है ही भाई बेगरत अच्छा हम नहीं लूंगा ठीक है नहीं लूंगा नाम नहीं लेना भाई से पहले मुझे कह दिया कि नाम नहीं लेना चलें गाइस सबको मिलते हैं अल्लाह हाफिज़ अगले ब्लॉग में।